हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी के यादव पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके लिए आज हम लेकर आए हैं एक न्यू वीडियो जो रिलेटेड है टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण से। आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कब से टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण होने जा रहा है, किस किस को मिलने वाला है और कब स्टार्ट होगा इसका वितरण, कहाँ पर होगा इसका वितरण। तो इसके लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन लैपटॉप टैबलेट वितरण या फिर मोबाइल वितरण से अगर संबंधित हो तो आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं कि कब से स्टार्ट होने जा रहा है इसका वितरण। तो इसका वितरण स्टार्ट होने जा रहा है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को गाइज इसका फर्स्ट जो वितरण है वो स्टार्ट होगा मोबाइल का और टैबलेट का। तो कहाँ पे होगा इसका वितरण, सबसे पहले आपको बता दें कि इसका वितरण होगा लखनऊ में। लखनऊ में होगा, भारतीय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा। और ये भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम जो कि लखनऊ में स्थित है, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम जो लखनऊ में स्थित है वहीं पर इसका वितरण होगा सबसे पहले। तो इसकी तारीख की घोषणा कर दी गई है कि 25 तारीख को वितरण होगा इसका। इसमें 60,000 मोबाइल फ़ोन और 40,000 टैबलेट दिए जाएंगे, मीन्स 1 लाख युवाओं को टैबलेट और मोबाइल का वितरण होगा, जिसमें 60,000 तो मोबाइल बंटेंगे और उसके अलावा 40,000 टैबलेट दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में हर जिले के युवा बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, मीन्स इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, उसी खुशी में, उसी उपलक्ष्य में इसका वितरण होगा। और जो स्थान है वो स्थान है इकाना स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। इसका नाम पहले इकाना स्टेडियम था, बदलकर योगी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कर दिया है। तो ये लखनऊ में स्थित है, यहीं पर इसका वितरण होने जा रहा है। तो आइए चलिए आपको बताते हैं कि किसको किसको मिलेगा लैपटॉप टैबलेट और मोबाइल, किसको किसको मिलेगा। तो पहले चरण में MA BA BSc ITI MBBS MD BTech MTech PhD MSI और स्किल डेवलपमेंट, मीन्स जितने हमने बताया जैसे MA हैं, BA हैं, BSc हैं, ITI हैं, MBBS हैं, MD हैं, BTech हैं, MTech हैं, PhD हैं, MSME और स्किल डेवलपमेंट के जो स्टूडेंट हैं इनको दिया जाएगा। तो इसमें भी डिवाइडेशन किया गया, मीन्स इसमें जो अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे छात्र हैं, मीन्स लास्ट ईयर में जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को ही दिया जाएगा, छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी, मीन्स उन्हीं को दिया जा रहा है जो वितरण होने जा रहा है। तो इसमें IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव विनीत कुमार ने बताया कि डिजी शक्ति पोर्ट है, उस पर 38 लाख से अधिक युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक डिजी शक्ति पोर्ट है, उस पर 38 लाख से ज़्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो अभी छात्रों का और रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो इन्हीं को मिलने जा रहा है। जिस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को मिलेगा, इन्हीं स्टूडेंट्स को मिलने जा रहा है, और वो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को नहीं, सीधे लास्ट ईयर को। और बताए हैं कि अब तक 38 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य है। 18 लाख से अधिक मोबाइल टैबलेट की आपूर्ति जल्द ही होगी, बताए हैं ऑफिशियल न्यूज़ में बताया गया है कि 18 लाख से अधिक मोबाइल टैबलेट की आपूर्ति जल्द ही होगी। पहले चरण में 2035 करोड़ रुपये का ऑर्डर जारी किया गया, 2035 करोड़ का ऑर्डर जारी किया गया है। इसमें 10,740 रुपये की दर से 10.5 लाख मोबाइल, 10.5 लाख मोबाइल 10,740 की दर से है, मीन्स एक मोबाइल की कीमत जो है वो 10,740 रुपये है। और 10.5 लाख मोबाइल हैं, 12,606 रुपये की दर से जो टैबलेट हैं इनकी, एक टैबलेट की कीमत 12,606 रुपये है। और कितने टैबलेट हैं, 7,20,000 टैबलेट हैं, 7,20,000 टैबलेट हैं और 10.5 लाख मोबाइल हैं जिनका ऑर्डर किया गया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है इसी दिन 25 दिसंबर को, और उसी अवसर पर सुशासन दिवस के अवसर पर निःशुल्क मोबाइल फ़ोन और टैबलेट फ़ोन वितरित किए जाएंगे। यह जानकारी अरविंद कुमार, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के द्वारा जारी की गई है। और इसके अलावा आपको बता दें 86 लाख बुजुर्गों व महिलाओं को 1 जनवरी से दोगुनी पेंशन मिलेगी। 86 लाख बुजुर्गों व महिलाओं को 1 जनवरी से दोगुनी पेंशन मिलने जा रही है। तो
प्रदेश के 86 लाख गरीब बुजुर्गों को और निराश्रित महिलाओं को 1 जनवरी से दोगुनी यानी 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलने लगेगी। जो 500 रुपये पेंशन थी उसे 1,000 कर दिया जा रहा है। वहीं 11 लाख दिव्यांगों को 1 दिसंबर से ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सभी को 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अभी 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी, मीन्स पहले 500 रुपये मिलती थी, अब 1,000 कर दी जा रही है। तो इसका शासनादेश जारी हो चुका है। अनुपूरक बजट में पेंशन राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की गई थी। समाज कल्याण विभाग के शासनादेश में कहा गया है कि कोविड महामारी के दौरान महंगाई और मुद्रास्फीति संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। अभी 56 लाख बुजुर्गों को इसका लाभ मिल रहा है, मीन्स अभी तक जो लाभ ले रहे हैं बुजुर्ग उनकी संख्या 56 लाख है। अब इसको बढ़ा दिया जाएगा, मीन्स 86 लाख हो जाएगा। तो वहीं महिला कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव जो हैं अनीता सी मेश्राम, इनके द्वारा जो जारी शासनादेश में बताया गया था कि 20 लाख निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने के लिए 425.25 करोड़ रुपये 425.25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की ज़रूरत होगी। मीन्स इतनी राशि की क्या और ज़रूरत होगी जब हम 20 लाख निराश्रित महिलाओं को पेंशन देंगे। तो इसकी व्यवस्था पुनर्वियोग से की जाएगी। वहीं अपर मुख्य सचिव दिव्यांग कल्याण हेमंत राव ने भी इसका आदेश जारी किया गया। मीन्स ये ऑफिशियल न्यूज है, कई अधिकारियों द्वारा यह बताया गया है कि 86 लाख बुजुर्गों व महिलाओं को 1 जनवरी से दोगुनी पेंशन मिलेगी। मीन्स पहले 500 रुपये थी तो अब 1,000 मिलेगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें टैबलेट और मोबाइल का वितरण 25 दिसंबर से स्टार्ट हो जा रहा है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कोई अपडेट आपसे छूटने ना पाए। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का सर, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।